हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं महिंद्रा की वी 100 नेक्स्ट और मारुति सुजुकी की बलिनो के बीच में। दोनों ही सेम सेगमेंट कार है, पर आज हमने ली है दोनों की डीजल वेरिएंट। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम इसकी ओवरव्यू जान लेते हैं। तो महिंद्रा की यूवी 100 नेक्स्ट की प्राइस शुरू होती है 4,82,000 रुपये से और टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है 7,88,000 रुपये। और ये गाड़ी पेट्रोल में 9 मॉडल और डीजल में 9 मॉडल के साथ आती है। बात कर ले मारुति सुजुकी बलिनो के मामले में, तो इसकी कीमत शुरू होती है 5,67,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 9 लाख रुपये तक। और यहाँ पर पेट्रोल में 9 मॉडल और डीजल में इसके 4 मॉडल देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंपेरिजन लगाने वाले हैं महिंद्रा की यूवी 100 नेक्स्ट की D75 K4+ मॉडल के साथ, जिसकी कीमत है 6,50,000, और वहीं मारुति की बलिनो को सिग्मा डीजल के साथ जिसकी कीमत है 6,77,000 रुपया। तो 27,000 रुपया महंगा है मारुति की बलिनो, और जबकि 27,000 रुपया सस्ता है महिंद्रा की यूवी 100 नेक्स्ट। तो बात कर ले सबसे डिज़ाइन के साथ, तो मारुति के यूवी जो महिंद्रा की KUV है वो एक SUV डिज़ाइन है, और वही हम बलिनो की बात करें तो एक हैचबैक स्टाइल कार है। बात कर ले इंजन के मामले में, तो KUV में आपको 1200 cc का 70 डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 77 bhp का पावर जनरेट करती है, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। बात कर ले बलिनो की, तो यहाँ पर आपको 1250 cc का डीजल इंजन देखने को मिलता है, और ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, और इसमें आपको 74 bhp का पावर देखने को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ पावर यहाँ पर KUV 100 अच्छा है थोड़ा सा। और सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर 3 सिलेंडर इंजन KUV में देखने को मिलता है, और बलिनो में 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। बात कर ले माइलेज की, तो ये मैं ARAI सर्टिफाइड माइलेज बता रहा हूँ। महिंद्रा के यूवी 100 नेक्स्ट आपको देती है 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, और वहीं हम लोग बात कर ले बलिनो में आपको 27 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देखने को मिल जाती है। महिंद्रा के यूवी में आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और बलिनो में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ माइलेज स्लाइटली थोड़ा सा बेहतर है बलिनो। अब बात कर लें सीटिंग कैपेसिटी, तो महिंद्रा की यूवी 100 नेक्स्ट ये तो 5 सीटर है, पर आप इसके फ्रंट सीट को ऑप्टिमाइज करके 6 सीटर के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके डिज़ाइन को किस प्रकार से दिया गया आप देख सकते हैं फोटोज़ में। बात कर लें बलिनो, तो ये एक टिपिकल सा 5 सीटर कार है, जहाँ पर सिर्फ आपसे 5 लोग ही बैठ पाएंगे। आपको महिंद्रा की KUV में आपको 243 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जबकि बलिनो में आपको 339 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो एक अच्छा बूट स्पेस आपको बलिनो में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, दोनों ही मॉडल के कंपैरिजन कर लेते हैं फीचर्स के मामले में। तो देखिए KUV 100 में आपको पावर विंडो रियर साइड में भी देखने को मिल जाते हैं, जबकि बलिनो में नहीं देखने को मिलते हैं। आपको बलिनो के अंदर रिमोट फ्यूल लीड एंड ट्रंक ओपनर देखने को मिलता है, जबकि आपको ये फीचर KUV 100 में मिसिंग है। KUV 100 में आपको सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, सीट लंबर सपोर्ट देखने को मिलता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर देखने को मिलता है, और ये सारे फीचर्स आपको बलिनो में नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात यह है कि यूवी 100 सस्ती होने के बावजूद भी आपको 2 मोड देती है ड्राइविंग के लिए, और 2 एयरबैग सपोर्ट देती है, जबकि बलिनो में ऐसा कोई फीचर दिया ही नहीं गया है। एटलीस्ट 1 एयरबैग तो इस प्राइस पे हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ बलिनो में नहीं देखने को मिलता है, जबकि उससे भी सस्ते होने के बावजूद KUV में आपको 2 एयरबैग देखने को मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको KUV 100 में देखने को मिलता है, बलिनो में नहीं देखने को मिलता है। बात कर लें अपनी स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और ISO चाइल्ड फिक्स माउंट, आपको यहाँ पे बलिनो में देखने को मिल जाता है, जबकि आपको KUV 100 में ये फीचर नहीं देखने को मिलता है। टायर्स की बात कर ली जाए, तो KUV 100 में आपको 14 इंच का टायर देखने को मिलता है, बलिनो में आपको 15 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। तो ये था कंपैरिजन। हाँ, कुछ टर्म्स हैं जहाँ हमारा KUV 100 आगे बढ़ जाता है, वहीं कुछ टर्म में बलिनो आगे बढ़ता है, पर कंक्लूजन निकालने कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो प्राइसिंग की बात की जाए, तो देखिए KUV 100 70,000 सस्ता है इसका लोअर वेरिएंट एज़ कम्पेयर टू बलिनो, और 1 लाख रुपया भी सस्ता है अगर हम टॉप वेरिएंट देखें बलिनो का, तो KUV 100 नेक्स्ट का जो 1 लाख रुपया सस्ता है यहाँ भी। तो अगर हम बात करें वैल्यू फॉर मनी सस्ती गाड़ी कौन सी है, तो महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट है। बात कर ले हमने जो 2 गाड़ियाँ ली इनमें कंपेरिजन किया, दोनों सेम सेगमेंट की कार थी, लेकिन आपको बलिनो में कोई भी एयरबैग नहीं देखने को मिल जाता है, जबकि उससे 27,000 रुपये सस्ती है KUV 100 नेक्स्ट, आपको यहाँ पर 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। महिंद्रा KUV 100 की बेस्ट फीचर, आप इस गाड़ी को 6 सीटर बनाकर भी चला पाएंगे, और इसका जो कंसोल है डैशबोर्ड कंसोल वो अन्य कारों से बिल्कुल अलग लगता है, जबकि बलिनो का जो डिज़ाइन है आपको सारी कार एक ही जैसी लगती है, लेकिन आप KUV 100 नेक्स्ट का जब कंसोल चलाएंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आने वाली है।
तो एट लास्ट कंक्लूजन, अगर आपको अच्छा एवरेज चाहिए तो आप बलिनो ले सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा एवरेज, ज़्यादा नहीं आपको फर्क मचेगा। लेकिन अब KUV 100 नेक्स्ट में फीचर्स के मामले में KUV 100 नेक्स्ट में कहूँगा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बलिनो। हाँ, थोड़ा सा एवरेज आपको कम देखने को मिलेगा, पावर थोड़ा सा आपको ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 50 cc का डिफरेंस है और बलिनो में 4 सिलेंडर इंजन है, जबकि आपको KUV 100 नेक्स्ट में 3 सिलेंडर इंजन है और ये 1200 cc का इंजन है, पर पावर अधिक जनरेट करती है KUV 100 नेक्स्ट। अब दोस्तों, दोनों कंपैरिजन में अगर आपको माइलेज चाहिए, पावर चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप बलिनो ले लीजिए। लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए, सस्ते में अच्छा माल चाहिए, सारे फीचर्स आपको मिल जाएं, तो मैं कहूँगा आप KUV 100 नेक्स्ट को ले सकते हैं। तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद आए ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।